देखिए, हमारा ग्राम स्वराज अभियान चल रहा है। मुझे खुशी है कि जहां पर दलित और अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे परिवार रहते हैं और 1000 से ऊपर की जनसंख्या है, ऐसे करीब 20,000 गांवों में हमारे एमएलए रात को रुकने जा रहे हैं, हमारे एमपी रात को रुकने जा रहे हैं, हमारे राज्यों के मंत्री रात को रुकने के जा रहे हैं। वे जो मुझे जानकारियां दे रही, इतनी आनंददायक जानकारियां दे रहे हैं, कभी कभी इतनी मन को प्रसन्नता देने वाली देते हैं। बस सचमुच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जो 14 अप्रैल से 5 मई का कार्यक्रम सर पे उठाया है, बहुत बड़ी सेवा होगी और बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, समाज को लाभ होने वाला है। अच्छा, एक बड़ा बीड़ा उठाया है सरकार की। एक आपने देखा होगा, सरकार को आदत क्या है, खास करके भारत सरकार को, एक योजना घोषित कर देना, एक नीति बना देना, एक कानून बना देना, एक नियम बना देना, उनको बस इसी में आनंद आता है। लेकिन कभी सरकार देखती है कि नीचे जाता है कि नहीं जाता है। इस बार हमने 20,000 गांव छांटे हैं जो 1000 से ऊपर की बस्ती के हैं, और उसमें 50% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाज से रहने वाले लोग हैं। इनके विकास को हमने इसलिए करना है कि देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के जो आखिरी छोर के व्यक्ति हैं उनको ही आगे बढ़ाना होता है। और इन 20,000 गांवों में 5-7 समस्याएं हाथ में ली है। क्या एक बार पूरी सरकार इसको पर, आपको आपको जानकर खुशी होगी, मैं सिर्फ आपको दौड़ा रहा हूं ऐसा नहीं, भारत सरकार से 1000 अफसर, आईएएस कैडर के अफसर, इन दिनों हर जिले में 2-2 अफसर गए हैं। 500 जिलों में 1000 अफसर जाकर के बैठे हैं और वे इन 20,000 गांवों में हर घर को सौभाग्य योजना का फायदा मिले, हर घर को उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, इंद्रधनुष के द्वारा टीकाकरण का काम 100% हो जाए, जनधन अकाउंट में अभी भी कोई बचा होगा तो उस परिवार को जनधन अकाउंट हो जाए, हमारे इंश्योरेंस का लाभ। और मैंने देखा है कुछ परिवारों ने 12 रुपया का इंश्योरेंस लिया, और परमात्मा की मेहरबानी नहीं रही उस परिवार पर, महीने 2 महीने में कोई घटना घटी, तुरंत उस परिवार को 2 लाख रुपया मिल गया। आप कल्पना कर सकते हैं, गरीब परिवार में आपत्ति के समय 2 लाख रुपया पहुंच जाना कितनी बड़ी बात होती है। ये सारे काम इस 14 अप्रैल से 5 मई के तरफ करने वाले हैं। मुझे छत्तीसगढ़ में जाने का अवसर मिला और नक्सलों के एकदम जो बहुत बड़ा केंद्र बिंदु माना जाता था, वहां पर विकास में लोगों की रुचि देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हुई। वहां के हमारे विधायक, वहां के हमारे मुख्यमंत्री, हमारे एमएलए इतनी मेहनत करके उस कार्यक्रम को सफल बनाया, और मैंने देखा सरकारी मशीनरी को भी एक ऐसा आत्मविश्वास आ गया कि हम भी अब ये जो इतने दिनों से ये बम बंदूक और पिस्तौल की दुनिया से निकल करके पैड लगाना, मोबाइल टावर लगाना, सड़कें बनाना, टॉयलेट बनाना, अब उसका हिसाब किताब करने लग गए हैं।